वालेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं सिमसिम टीवी मैं हूं आपका होस्ट आज़म अमीर खान और बात करेंगे इंडिया के और इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच डे वन यशस्वी जायसवाल आउट स्टैंडिंग इनिंग्स वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट टेस्ट इनिंग्स बाय एन ओपनर बाय अ बैट्समैन इन इंडियन कंडीशन और इट विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट क्योंकि जिस विकेट पे जिस पिच पे लग रहा हो कि रन्स करना आसान और बाकी बैट्समैन भी रन करें वहाँ पर कंपेरिटिवली शायद आपको वो प्रेज नहीं मिलती वो अप्रूवल नहीं मिलती लेकिन ऑन अ डे वन द सेकेंड हाइस्ट टेस्ट स्कोर वॉज थर्टी फोर एंड नो वन और दूसरे किसी बैट्समैन ने नो वन इवन रीच थर्टी फाइव उस पिच पे पूरा दिन बैटिंग करना एंड पे उनको क्रैम्प्स भी हो गए थे और वन सेवनटी नाइन रन्स करना और नॉट आउट रहना मोर देन हाफ ऑफ वट इंडिया हैज स्कोर्ड 50 परसेंट से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं बहुत 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 बड़ी इनिंग्स थी बहुत कमाल इनिंग्स थी हैड्स ऑफ टू जैसवाल और जितनी तारीफ की जाए इस टैलेंट की इस बैट्समैन की काम है बाईस साल की उम्र है उनकी ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड और ये है जनरेशनल टैलेंट ही इज़ द रियल प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट अगर आप बात करते हैं शुभमन गिल की स्ट्रगल कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली उनको भी एक दफ़ा फिर स्टार्ट मिला बड़े अच्छे लग रहे थे लेकिन एंडरसन ने उनको एक दफा फिर आउट कर दिया एंडरसन ने सात इनिंग्स में पांच दफा फाइव आउट ऑफ सेवन टाइम्स गिल को आउट किया और उनकी एवरेज एंडरसन के अगेंस्ट सेवन की रह गई जस्ट सेवन की है स्ट्रगल करते हैं एंडरसन के अगेंस्ट और एंडरसन ने कम बैक करते हुए इंपॉर्टेंट विकेट शुभमन गिल की पिक की गिल वॉज लुकिंग गुड फ्लो में लग रहे थे अच्छा खेल रहे थे फोर्टी सिक्स बॉल पे थर्टी फोर पे थे लेकिन आउट हो गए और एक दफा फिर अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर सके थर्टीज में ही रह गए रोहित शर्मा आज कुछ नहीं कर सके एक भी बाउंड्री उन्होंने स्कोर नहीं की और जिस इंटेंट के साथ नॉर्मली खेलते हैं वो नज़र नहीं आया वो अटैकिंग अप्रोच मिसिंग थी उनकी उन्हें। उन्होंने 40 41 डिलीवरीज़ के लिए विकेट को ऑक्यूपाई तो किया खड़े हुए लेकिन उसमें कोई बाउंड्री नहीं थी फिर उसके बाद वो द डेब्यूटेंट शुएब बशीर को अटैक करते हुए आउट हो गए ही बॉल्ड वेल शुएब बशीर बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने रेहान अहमद ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है और रिहान अहमद पिक द क्रूशल विकेट और उन्होंने डेब्यूटेंट रजत पटीडार की विकेट भी लिए उन्होंने पटीडार या पटीदर जो भी उनकी प्रोनंसिएशन है और उनका भी बेहतर डेब्यू था अच्छा भी नहीं कह सकते आप ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते क्योंकि इस विकेट पे बड़ी बैटिंग पेच है फ्लैट विकेट है बैटिंग पेच है जैसवाल ने बताया देखा गया कि यहाँ पे बैटिंग कैसे करनी थी और इंग्लैंड भी बताएगा जैसवाल को देख के ये नज़र आ रहा है कि इंग्लैंड भी बताएगा अपनी बैस बॉल अप्रोच के साथ और इंडिया को ख़तरा तो है इस पिच ये जो इन्होंने पिच बनाई है इस पर इंग्लैंड कैसे रिस्पोंड करता है और इंग्लैंड जिस तरह खेलेगा वो देखने वाली बात होगी जब तक दोनों टीम्स बैटिंग नहीं करती ऑब्वियसली पिच का पता नहीं लगता लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया ने इंग्लैंड की स्पिन टैलेंट को देखते हुए टर्नर नहीं बनाया रैंक टर्नर नहीं बनाया उनको लगता था शायद उससे ज़्यादा ख़तरा है और यहाँ पर वो शायद निमट लेंगे इंग्लैंड से बट जयसवाल ने बहुत कमाल की इनिंग्स खेली है जितनी तारीफ की जाए कम है और पिछले दस सालों में वो सेकंड लेफ्ट हैंडर हैं जिन्होंने इंडिया में सो किया दूसरे बने हैं पहले धवन थे मेरा ख्याल है ये भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है बड़ी अच्छी एक फीट है लेकिन अगर आप नोट करें तो इंडिया के तकरीबन तमाम बैट्समैन को स्टार्ट मिले रोहित शर्मा ने अच्छा भला क्रीज़ को ऑक्यूपाई किया था फोर्टी अबव बॉल्स फोर्टी आउट बॉल्स के लिए फिर वो आउट हो गए गे। गेल वॉज लुकिंग गुड उन्होंने भी फोर्टी सिक्स बॉल्स के लिए वो खड़े हुए थे पिच को ऑक्यूपाई किया था और अच्छे लग रहे थे वो भी आउट हो गए उसके बाद फिर चौथे नंबर पे आयर आए आयर को भी एक स्टार्ट मिला लेकिन आयर आयर का भी वही मसला है कि आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं आउट ऑफ शॉर्ट्स लग रहे हैं एक बार फिर से फेल हो गए और गिल और आयर की पोजीशंस पे अब सवाल मजीद उठना उठना तो शुरू हो गए थे अब मजीद उठेंगे उनकी पोजीशन बहुत ख़तरे में कंसिडरिंग द फैक्ट के विराट कोहली और के राहुल ने वापस आना है तो वो दोनों अगर इन दोनों की जगह आ जाते हैं और रजत अगर स्कोर कर देते हैं फिर तो कन्फर्म हो जाएगा दोनों बाहर हो जाएंगे लेकिन खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है पाँचवें नंबर पर रजत आए उन्होंने अपना डेब्यू किया एक अच्छी पार्टनरशिप कायम की सब ने छोटी छोटी पार्टनरशिप्स कायम की हैं जायसवाल के साथ लेकिन जायसवाल ने डोमिनेट किया कोई भी खुल के नहीं खेला दूसरा कोई बैट्समैन और स्टार्ट सबको मिले लेकिन जयसवाल वॉज द वन मैन जिन्होंने अपने स्टार्ट को कन्वर्ट किया और बड़ा स्कोर किया और इंडिया के तीसरे या चौथे बैट्समैन चौथे बैट्समैन बने हैं जिन्होंने अपने पहले दो सो अपने टेस्ट क्रिकेट के करियर के पहले दो सो वन फिफ्टी प्लस किया विनोद कामली ने अपने पहले दो सो डबल सेंचुरीज की थी टू ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सेवन फिर पुजारा ने भी बड़े सो किए थे जयसवाल ने भी अपने पहले दो बड़े डेढ़ सौ से अबव किया वन सेवेंटी वन का उनका बेस्ट था जो वेस्ट इंडीज़ में था उन्होंने उसको सर पास किया और आज अपना हाइस्ट टेस्ट स्कोर किया वन सेवेंटी नाइन का और इस वक्त उनके साथ रविचंद्रन अश्विन विकेट पर मौजूद हैं अक्षर पटेल को भी स्टार्ट मिला उन्होंने भी ट्वेंटी सेवन किया अगर आप नोट करें सब को स्टार्ट मिलें सो द पिच इज गुड बैटिंग पिच है पिच में जान है पिच इज़ रियली गुड जेम्स एंडरसन बॉल्ड रियली वेल तीन स्पेल्स में उन्होंने अपने सत्रह के उन्नीस ओवर्स किए हैं बट उन्होंने बड़े कंट्रोल के साथ बॉलिंग की है और नजर आया कि ही वॉज़ द वन मैन नीडेड फॉर द कंट्रोल और एक्सपीरियंस शो किया गिल को उन्होंने जिस तरह डिसमिस किया है वो वो भी देखने लायक था बड़ा अच्छा कंट्रोल बड़ी अच्छी लाइन तो और लेंथ और इंग्लैंड ने अच्छा डिसीजन लिया जैसा कि मैंने कहा था इंग्लैंड को खिलाना चाहिए तो इंग्लैंड ने एंडरसन को खिलाया और वही टीम खिलाई है और जो टीम मैंने इंडिया की डिस्कस की थी ऑलमोस्ट वही खेली लेकिन मुकेश कुमार मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग थे कि सर की जगह हैं मुझे लग रहा था कि इंडिया शायद मुकेश कुमार की जगह एक बैट्समैन और खिला लेगा या वाशिंगटन सुंदर को खिलाएगा लेकिन इंडिया ने वाशिंगटन सुंदर को नहीं खिलाया मुकेश कुमार को प्रेफर किया इस वक्त इंडिया की पोजीशन आप 60 परसेंट तो कह सकते हैं कि 60 40 है लेकिन कोई भी टीम ये नहीं कह सकती कि वह आगे है इंग्लैंड भी खुश होंगे कि उन्होंने छः आउट कर लिए और उसके बाद अब बॉल्स स्टार्ट हो जाएंगे आगे अश्विन जो है वो लास्ट रिकगनाइज बैट्समैन है जो अच्छा मतलब जो प्रॉपर खेल लेंगे लेकिन इस वक्त जैसवाल विकेट पे खड़े हैं इंडिया को उनसे हॉप है और वो तेज़ खेल रहे हैं जो इनिंग्स उन्होंने खेली है इस वक्त 179 सेवनटी नाइन आउट पे हैं और टू फिफ्टी डिलीवरीज़ तो बहुत तेज़ खेल रहे हैं रैपिड पेस पे खेल रहे हैं इसका फ़ायदा यही होता है कि दिन के अख्ताम पर आप देखें अब इंडिया थ्री ऑलरेडी कर गया ऑलमोस्ट थ्री तो पहले टेस्ट मैच की जो पहली इनिंग्स थी इंग्लैंड की पोजीशन उससे तो बेहतर ही है वो बहुत बुरी पोज़ीशन थी लेकिन इंडिया को तब भी यही हुआ था प्रॉब्लम कि तब भी दो बंदों ने एटीज़ तो किए थे स्टार्ट भी लिए थे और ऑलमोस्ट फोर कर दिया था लेकिन किसी ने वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेली थी जो इनिंग्स को पंच देती है वो इनिंग्स नहीं खेली थी जो पूरी इनिंग्स को पंच देती है वो किसी ने इनिंग्स नहीं खेली थी और अब जायसवाल ने आज बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है 179 ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ओवर इंडिया हैज स्कोर जायसवाल ने स्कोर किया है और इस इनिंग्स को हमेशा जायसवाल के लिए बड़ी यादगार रहेगी सिर्फ 22 साल के हैं और मेरे हिसाब से ही इज़ द रियल प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट द रियल जनरेशनल टैलेंट ऐसा नहीं है कि गिल में टैलेंट नहीं है गिल ने वनडे फॉर्मेट में शो किया 36 इंडियन बैटर्स हैव स्कोर्ड 1000 प्लस रन इन द ओ डी आई फॉर्मेट एंड गिल हैज़ द हाइस्ट एवरेज लेकिन टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो जिन बैट्समैन ने वन प्लस रनस किए हैं इंडिया के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट में गिल हैज़ द लोएस्ट एवरेज तो ये देखना होगा कि क्यों वो कन्वर्ट नहीं कर सक रहे अपनी वाइट बॉल फॉर्म को रेड बॉल में ये सेम रीज़न सेम प्रॉब्लम अगर आपको याद हो तो हम पाकिस्तानी फैंस ने भी फेस की वह बाबर आजम को थी अगर मिकी याद ना होते तो शायद आज बाबर आजम बाबर आजम ना होता स्पेशली बाबर आजम द टेस्ट प्लेयर बाबर आजम ना होता उन्होंने उनको जितना सपोर्ट किया बाबर आजम की भी एवरेज पहले 20-25 टेस्ट मैचेस में हावर अराउंड की थी 25 से 35 के दरमियान और बड़ी देर बाद जाके उन्होंने वो ऐसी इनिंग्स खेली थी जो मिकी आर्थर कह रहे थे कि वो एक दफ़ा खेलेगा तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा और फिर वो आगे लेके चलेगा उसको फीलिंग आएगी कि ही बिलोंग्स टू दिस लेवल और वन डे में क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा था तो मिकी आर्थर को कोई डाउट नहीं था कि क्यों वो टेस्ट मैच में भी अपनी ये परफॉर्मेंसेज और अपना टैलेंट शो नहीं कर सकता गिल के बारे में भी यही बात गिल इज़ टैलेंटेड शो भी किया है वनडे फॉर्मेट में तो मे बी ही वॉन्ट्स मोर टाइम और जब वो एक बड़ी इनिंग्स खेल लेंगे एक ऐसा शो जो उनको फ़ील कराएगा कि हाँ अब वो कर सकते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे वो मजीद कॉन्फिडेंटली खेलेंगे इस वक्त वो अपनी पोजीशन के लिए भी डरे हुए हैं और तनकीद भी काफ़ी हो रही है जिस बैटिंग पोजीशन पे वो खेल रहे हैं मे बी दैट पोजीशन इज़ आल्सो नॉट हेल्पिंग हिम तो ये इंडिया को देखना होगा इंडिया को सोचना होगा कि वो क्या करता है गिल को ख़ुद भी ख़ुद भी सोचना होगा उमन गिल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो दूसरों को और सब रॉन्ग प्रूव करें और शो करें कि ही बिलोंग्स टू दिस लेवल लेकिन श्रेयास आयर श्रेयास आयर को भी काम करने की बहुत ज़रूरत है अगर डे वन की बात करें तो द डे बिलोंगड नीदर टू इंडिया नॉट टू इंग्लैंड द डे बिलोंग टू जैसवाल द ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड जैसवाल हैड्स ऑफ टू हिम एंड बेस्ट ऑफ लक टू हिम जो जो उन्होंने कहा है कि वो एंड तक खेलना चाह रहे हैं टीम के लिए और डबल सेंचुरी का सोच रहे हैं उम्मीद करते हैं कि वो ट्रिपल सेंचुरी भी करेंगे और बेस्ट ऑफ लक टू हेम लेट सी कि कल डे टू पे इंडिया कैसे कंटिन्यू करता है और इंग्लैंड कैसे रिस्पॉन्ड करता है इंग्लैंड कैसे कम बैक करता है स्टेट ट्यून्ड इंशाल्लाह फिर मिलेंगे डे टू के अख्ताम पर देखते रहिए सिमसिम टी अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़